अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और फिलहाल दोस्तों, मैं अभी चलने वाला हूँ धरावी के अंदर, और धरावी के अंदर दोस्तों मैं देखने वाला हूँ रमजान का एक खुशनुमा माहौल। जैसा कि अभी मैं जस्ट इस तरह से ब्रिज से नीचे उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जस्ट दोस्तों 4:30 बजा हुआ है, और इस तरह से सभी लोग घर से निकले हुए हैं खरीदारी वगैरह करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर में रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग रहते हैं जिनका बीवी बच्चे नहीं होते हैं, बेचारे काम करते हैं, और शाम को जाने के टाइम में इसी तरह से किनारे किनारे से फल फ्रूट एंड भजिया पकौड़ी भी दोस्तों लेते हुए जाते हैं रोजे का इफ्तार वगैरह करें। और ये देखें यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है। कितने का भैया ड्रैगन फ्रूट? 50 रुपये। ये 50 रुपये, ये 60 रुपये का। तो फिलहाल दोस्तों ये देख रहे हैं काफ़ी फ्रेश फ्रेश ड्रैगन फ्रूट है। ये 60 रुपये का भाई जान बता रहे हैं, ये वाला 50 रुपये का बता रहे हैं। भैया कैसे है भजिया, भजिया वगैरह कैसे है? 160 रुपये किलो। और ये वाला? अच्छा 160 रुपये कोई सा भी जो। ये कांदा भजिया या बटाटा भजिया है ना? ओके शुक्रिया सर। इस तरह से फिलहाल दोस्तों आपको ना रमजान के टाइम पे कांदा भजिया, बटाटा भजिया और सेब वगैरह, और इस तरह से अनानास को काट के टुकड़े टुकड़े में भी लोग बेचते हैं। कितने का है? कितने का है ये? 15-25। 15-25 क्या है ये? फालूदा। अच्छा फालूदा है। मीठा रहता है ये? चीनी डालना पड़ेगा जैसे ना। और भाई कितने का ये पपीता? कितने का? 100 रुपये का। 100 रुपये का ये कोई सा भी? अरे नहीं यार, वो छोटा वाला तो सस्ता होगा ना। अच्छा 20 रुपये ये बड़ा वाला, 100 रुपये का। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों आपको ना पूरा फालूदा वगैरह और पपीता वगैरह मिलेगा। देखिए बाकी देखिए यहाँ पे तरबूज कितने खूबसूरत तरीके से काट काट के लोगों ने सजा रखा है। मतलब शाम के टाइम भाई, मतलब कुछ ऐसा चीज़ चाहिए होता है तरल पदार्थ। अभी जैसे कि मैं भी रोजे से ही, और मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मतलब जबाने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, लेकिन ठीक है मैं बोलते हुए फिलहाल आगे की तरफ जा रहा हूँ। पूरा जैसे जा रहा जबान पूरा सूख सूख गया हो। हाँ यार, थोड़ा प्यास तो काफ़ी मतलब जोरों की लगी हुई है, और मैं कहा कि क्यों ना आज रमजान का माहौल धरावी में दिखा दूँ। आज 5वां रोजा है, तो इस तरह से मैं दिखाते हुए फिलहाल दोस्तों अभी मैं बढ़ूँगा आगे की तरफ 90 फीट की तरफ। बाकी भाईजान खजूर कैसे है भाईजान? ये मतलब ये वाला 120 रुपये का आधा किलो। अच्छा 120 रुपये का आधा किलो। शुक्रिया। गोल्ड आएगा। हाँ हाँ, कीमिया गोल्ड एक नंबर सॉफ्ट क्वालिटी आएगा, बढ़िया चीज आएगा। हाँ हाँ, एक कीमिया प्लास्टिक कीमिया आएगा। हाँ, ये कितने का आएगा? ये 150 रुपये का, 150 का है। अच्छा 150 का आएगा। कितना रहता है? आधा किलो रहता है। 550-600 ग्राम रहता है। 550-600 ग्राम, मतलब फिक्स ग्राम नहीं होता है क्या? मतलब 48 पीस होता है। अच्छा अच्छा, दाना छोटा बड़े के हिसाब से ग्राम बढ़ जाता है। और बाकी आप यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह भी रखे हैं? ड्राई फ्रूट। ये मिक्स ड्राई फ्रूट कितने का है ये वाला? ये पूरा मिक्स मेवा आएगा। ऐसे बाहर 600 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो आएगा। अच्छा अच्छा, नमकीन चूड़ा भी है। नमकीन चूड़ा। अच्छा ये नमकीन चूड़ा भी है ना। अभी फिलहाल रमजान का माहौल चल रहा है, तो अभी लोगों को खजूर खाना है। हाँ खजूर वगैरह ऐसा डंडी वाला, अच्छे डंडी वाला खजूर भी आएगा। अच्छा ये डंडी वाले खजूर, ये कितने का आएगा? ये 220 रुपये डिब्बा है। अच्छा 220 रुपये डब्बा, 200 रुपये रेट है, 220 रुपये का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बाकी अच्छा ये आप बेच रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, ये शरबत में कौन कौन सा है ये एक बार दिखाएंगे क्या? ये मतलब ये पानी में मिक्स किया जाता है या इसे डायरेक्ट पिया जाता है? पानी में मिक्स करते हैं ना। पानी और दूध दोनों में चलेगा? पानी और दूध दोनों में चलेगा क्या? हर एक चीज बनता है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये सारा बनता है। तो फिलहाल दोस्तों रमजान की ये देखिए, मतलब बढ़िया बढ़िया यहाँ पे इन्होंने जूस वगैरह की भी दुकान वगैरह लगा रखी है। मलास फूस, ये मलास वाटर मेलन, मलास काला खट्टा, मलास पाइन एप्पल, मलास लेमन, और मतलब इस तरह से दोस्तों ये पूरा जूस वगैरह, मतलब ये क्या है कि हम पानी के अंदर थोड़ा मिक्स कर देंगे वो पूरा जूस बन जाएगा। जूस बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये भी यही रखा है ना सामने की तरफ, हर एक चीज लिखा हुआ है। ये प्राइस क्या है इसका? जैसे 180 प्राइस है, 150 में आएगा। 180 प्राइस है, 150 में आप दे देंगे। दुकान का नाम दे दो, करम है गरीब नवाज। अच्छा करम गरीब नवाज, कौन सा रास्ता है ये? धारावी क्रॉस रोड। धारावी क्रॉस रोड। अच्छा धारावी क्रॉस रोड कहते हैं क्या इसे? धारावी क्रॉस रोड कहते हैं। हाँ। उसमें अपना दुकान का नाम है करम है गरीब नवाज। करम है गरीब नवाज, इमरान भाई का दुकान है। अच्छा इमरान भाई की दुकान है। फिलहाल दोस्तों अगर आप धारावी से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे इनके पास ये सारी वैरायटीज है, तो आप ले जाना। हाँ क्या नाम है भाई आपका? रियाज खान। रियाज खान, अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बेच रहे भाई खजूर, शरबत शरबत। अच्छा रमजान के टाइम में मस्त खूब बिकता होगा ना? एक नंबर भाई, खूब बिकता है। डेली माल भर के लगाते हैं, डेली बिक जाता है। नया नया रोज ला के लगाते हैं, नया नया भाई रोज बिकता है ना। अब माहौल भी पूरा एकदम एक नंबर रहता होगा ना। यार मतलब मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे इतनी भीड़ हो जा रही है, मतलब चलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब हाँ, क्योंकि देखो अभी मैं उधर से आ रहा था, वीडियो बनाना काफी टफ होता है, और खाने पीने की चीजें भी आपको यहाँ पे पूरा एकदम एक नंबर का A to Z मिल जाएगा। ए टू जेड ना, जो हम सोचते भी नहीं होंगे वो रमजान में मिलेगा। अच्छा मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है क्या धरावी में? नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं,
टोटली मतलब मिक्स कम्युनिटी है ना, बाकी सब बहुत प्यार से रहते हैं सब अलहमदुलिल्लाह। अच्छा भैया, बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैं भी एक बार डाटा देख रहा था, करीबन 65% हिंदू 30% मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, ऐसा है क्या? यस ऐसा ही है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से भाईजान की दुकान पे ये सारी चीजें मिलती हैं। और हमारे क्या नाम बताए भाईजान आप? रियाज खान। रियाज खान भाई साहब यहाँ पे बेच रहे हैं। जब आप धरावी क्रॉस रोड पे जाएंगे तो रास्ते में मिल जाएंगे। हाँ। तो आप यहाँ से खजूर एंड जूस लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं 90 फीट रोड पर। शुक्रिया भाई जान। फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी देखा ना भाई ने क्या क्या वैरायटीज रखी थी, मैंने वो दिखा दी। अभी फिलहाल दोस्तों वही रोड पकड़ा हूँ मैं, ये धरावी क्रॉस रोड है। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से छोटा सा एक दुकान भाई ने खोज रखा है और भजिया बेच रहे हैं, बैंगन की बनी हुई भजिया, टमाटर की बनी हुई भजिया वगैरह बेचते रहते हैं यार। मतलब रमजान में ना भाई साहब एक महीने ये जो खाने पीने वाली दुकानें ना भरपूर चलती है भाई साहब। अगर कोई भी बंदा अगर खोज के बैठ जाए ना तो मैं कह रहा हूँ शाम को मुश्किल से 4 से 7 के बीच में ना, 4 से 7 भी छोड़ दो यार, 6 से नहीं 5 से 7 के बीच में भाई अच्छा पैसा जनरेट कर जाएगा बंदा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे बैचलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं कारखाने में काम करने वाले, और हम जैसे कंपनियों में काम करने वाले जिन जो अपने परिवार से यहाँ पे दूर रहते हैं, तो क्या करते हैं बस निकलते हैं जॉब से 5:30 से 6 बजे के आसपास, बेचारे छूटते हैं तो यहाँ पे भजिया पकौड़ी वगैरह लेके फिर अपने रूम पे चले जाते हैं और थोड़ा बहुत शरबत वगैरह बनाते हैं। नहीं तो शरबत वगैरह भी दोस्तों ऐसा यहाँ पे देख ही रहे रेडीमेड वगैरह मिल जाता है, तो लोग अपना रेडीमेड शरबत वगैरह भी बना के पी लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको आज रेडी फालूदा वगैरह दिखाया। बाकी यार मैं ऐसे ही धरावी क्रॉस रोड से होते हुए जा रहा था, अभी मैं काफ़ी अंदर की तरफ आ गया तो यहाँ पे आपको क्राउड कम देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा 90 फीट पे फिर से भाई साहब वही माहौल आपको देखने को मिलने वाला है जो कि मैं अभी आपको रमजान में ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। भाई जान ये बल्ली मलाई है। बल्ली मलाई होता है क्या? कितने का आता है ये? 100 ग्राम 20 रुपये। अच्छा 100 ग्राम 20 रुपये का आता है। खाने में टेस्ट मीठा होता है ना? अच्छा ये मतलब आप हमेशा बेचते हैं या अभी रमजान वगैरह चल रहा है तो हमेशा बेचते हैं ना? तो वाह, तब ये किस चीज़ का बनाया जाता है ये? वैसे ये पहले दूध का रहता है। पहले दूध का दिखाएंगे क्या एक बार? तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से अभी मैं रास्ते में जा रहा था, यहाँ पे ये भाई साहब बना के बेच रहे थे 20 रुपये का 100 ग्राम। खाने में टेस्ट मीठा होता है। फिलहाल दोस्तों मैं रोजा हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करता। ओके शुक्रिया भाई। हाँ तो फिलहाल दोस्तों मैं अच्छा आप रोजे से आप भी हैं क्या? अच्छा भाई क्या? अच्छा 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 रोजा नहीं। अच्छा रोजे वाले हैं पर रोजा नहीं है। ओके ओके शुक्रिया। और बाकी ये कितने का ये सब? हाँ 10 रुपये। और ये वाला? अच्छा ये 20 रुपये, ये 10 रुपये। तो फिलहाल दोस्तों ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? गोलका। अच्छा अच्छा तो ये 20 रुपये का है भाई साहब और ये 10 रुपये का है। तो मैं जा रहा था रास्ते में दिखा, मैं कहा दिखा देता हूँ। और ये क्या है? चक्की है। ओके शुक्रिया भाई जान। क्या नाम है आपका? अच्छा आमिर भाई। फिलहाल दोस्तों इसे बेच रहे थे, बढ़िया चीज़ बेच रहे थे, मैंने कहा कि आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। मतलब अभी ये तो खैर नॉर्मली हर टाइम मिल जाता है, आप कभी भी आएंगे तो धरावी में क्या मतलब अमूमन मुंबई में ये चीज़ आपको बिकते हुए दिख जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं रमजान के महीने में दिखा रहा, मैं कहा यार दिखाई देता हूँ जब दिखा रहा हूँ इतना कुछ। बाकी इसी तरह से अभी हम होते हुए आगे चल रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे दोस्तों मैं अक्सर जब आता था ना वो एक आइसक्रीम वाले भाई लगाते थे, लेकिन फिलहाल वो अभी दिख नहीं रहे, इनसे पूछता हूँ। भैया नमस्ते, ये जो यहाँ पे सामने आइसक्रीम वाले भैया रहते हैं वो कहाँ हैं? अभी दिखते नहीं यार। आज बंद। आज ही बंद है यार, वो काफ़ी टाइम से बंद दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं जाते हैं, आज बंद। अच्छा अभी आप क्या बेच रहे हैं, जूस वगैरह क्या? आइसक्रीम गुलाब। हाँ तो अभी कितने का दे रहे हैं ये? पानी 5 का है 10 का है। 5 का भी है। वाह यार काफ़ी सस्ता बेच रहे हैं, 5 का 10 का 15 का 20 का। स्कूल है ना, स्कूल का। अच्छा स्कूल की वजह से? हाँ अच्छा अच्छा। नहीं वो आइसक्रीम वाले भाई साहब के पास मैं कई बार आया हूँ तो आइसक्रीम वगैरह खाया हूँ, उनके साथ वीडियो बनाया हूँ, इसलिए मुझे अभी आपसे पूछा। सामने ही सामने रहते हो ना, तो फिलहाल जैसे वो आइसक्रीम वहाँ पे सामने उनकी दुकान रहती है, तो मतलब बहुत ही अच्छे टेक्निक से बनाते थे, फ्रूट का बनाते थे। मैं ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोज़ में दिखाया भी हूँ, और अभी भाई साहब यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बेच रहे हैं। बाकी अभी हम किस एरिया में हैं, ये जो एरिया का नाम क्या है? 90 फीट क्रॉस रोड अन्ना नगर। अच्छा अच्छा मुंबई 417। मुंबई 417। अच्छा अच्छा तो फिलहाल दोस्तों भाई ने पूरा मतलब एड्रेस ही बता दिया। बाकी अभी यहाँ पे रमजान का माहौल चल रहा है ना, तो उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट आया है क्या? शाम के टाइम बिकता है या मतलब चलता रहता है? सुबह में डाउन है अभी, 6-7 बजे के बाद थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा अच्छा ओके शुक्रिया भाई। आपका नाम क्या है? अर्जुन भाई है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अर्जुन भाई इस तरह से गोला वगैरह बेच रहे थे, तो मैं कहा इनसे थोड़ा सा मिल के चलते हैं। अब चलते हैं फिलहाल दोस्तों अभी आगे की तरफ। तो इस तरह से फिलहाल जैसे मैं अभी धारावी का पूरा आपको माहौल वगैरह दिखाते हुए अंदर की तरफ से होते हुए जा रहा हूँ। आज रेडी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कई बार इस जगह पे घुमाया है, लेकिन स्पेस ये दोस्तों अभी मैं आपको रमजान का माहौल दिखा रहा हूँ। क्या चाहिए? क्या चाहिए?
ये पूछ रहा हूँ इसको क्या कहते हैं? इलायची मुझे फिलहाल दूसरी है, अपने गांव में इसको शायद जलेबा वगैरह कहते थे। अभी यहाँ पे चाचा इस तरह से बेच रहे हैं यार, मैं कहा वाह, मतलब गांव में यार इसको हम लोग पूछते भी नहीं है, सच में बता रहा हूँ। हमारे गांव में ये काफ़ी मात्रा में होता है, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं पर खाते नहीं थे यार। और सोचिए यहाँ पे भाई साहब बेच रहे हैं, वो भी 200 रुपये किलो। बाकी यहाँ पे भाई साहब भी अनानास वगैरह बेच रहे हैं। मतलब एक चीज़ है, इस रमज़ान के महीने में मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया है, अनानास बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे बिकता है यार। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी यार रमज़ान का माहौल दिखा रहा था, लेकिन रमज़ान का माहौल दिखाते दिखाते मुझे जो बात पता चली है, इधर राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। इस वजह से दोस्तों 90 फीट रोड को देख रहे हैं, अभी पूरा खाली करा दिया गया, रोड पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा पूरी की पूरी दोस्तों रोडें खाली दिखाई दे रही हैं, बस किनारे किनारे से दुकान दिखाई देता है, नहीं तो यहाँ तक की पूरी दुकानें लगी रहती थी भाई साहब, पूरा यहाँ पे मतलब रोड पूरा भरा हुआ रहता था। इधर ही कहीं आसपास हैं राहुल गांधी जी, वो इधर से होते हुए निकल जाएंगे शिवाजी पार्क की तरफ। ये देखिए सामने की तरफ दोस्तों वहाँ उन्हीं का पूरा बोर्ड वगैरह लगा है, मतलब यहाँ से ये कि आप पूरा उधर तक का जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का ही पोस्टर लगा हुआ है दिखाई दे जाएगा। यार मैं रमजान का माहौल दिखा रहा था, ये सारा माहौल भी दिख गया, मैं कहा क्यों ना मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि आज ऐसे मौके पर मैं आ गया। तो इस तरह से देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी पुलिस वगैरह भी दोस्तों बीच बीच में लगाई गई है, और आगे चलता हूँ मे भी हो सकता है राहुल गांधी जी दिखी जाएं, दिख नहीं जाएं कंफर्म दिखी जाएंगे, क्योंकि इधर ही से आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा के यहाँ पे खड़ी है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इधर ही से आ रहे होंगे, मे भी शायद हो सकता है यार, हाँ नहीं इधर ही से आ रहे होंगे। देखो भारत जोड़ो या न्याय यात्रा, वो जो राहुल गांधी जी की बस है ये सामने की तरफ ही दिख रही भाई। यार मेरे किस्मत में आज शायद कुछ अच्छा लिखा हुआ था यार कि मैं राहुल गांधी जी को सामने से देख पाऊँगा। ठीक है वो बस में ही बैठे रहेंगे महाराज, लेकिन तो भी देख लूँगा, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। ये देखिए सामने की तरफ दोस्तों बस लगी हुई है, राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है इसी के अंदर बैठे हुए होंगे। वो फिलहाल दोस्तों सामने की तरफ देखिए पूरा राहुल गांधी जी की बस लगी हुई है, और मे भी राहुल गांधी जी दोस्तों यहाँ पे आ ही रहे होंगे। कितनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी लगा हुआ है, ये सामने की तरफ पूरा देख सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों राहुल गांधी जी का कितना बड़ा बड़ा भाई साहब बोर्ड एंड बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए पूरा एक साइड से। वाह मतलब आज मुझे लग रहा है भाई साहब राहुल गांधी जी खैर आ जाएंगे एक आध घंटे के बाद, फिलहाल वो आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों मुझे अभी मैं रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी यार ना काफ़ी लेट हो जाएगा। तो भाई साहब धरावी में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और बाकी जगह जगह दोस्तों इस तरह से आपका स्टेज वगैरह भी बना है, जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे लोग बैठ के परफॉर्मेंस वगैरह भी देंगे ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पे इस तरह से पूरा एकदम बढ़िया माहौल वगैरह बनाया गया है, जैसे कि दोस्तों ये सामने की तरफ देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जगह जगह दोस्तों इस तरह से पूरा मस्त तो बनाया भी गया है। यार मैं दिखा क्या रहा था, दिखाने क्या जा गया, खैर ठीक है दोस्तों जो मुझे दिखा मैं वही लाइव दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। लेकिन अभी धरावी का माहौल पूरा एक अलग ही पूरा माहौल बना हुआ है भाई साहब, मतलब रोडों पे एक भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अलावा। आदमी आ जा सकते हैं, न तो खाने पीने की कोई चीज़ दिख रही है, हाँ थोड़ी मोड़ी जिसकी गाड़ी वगैरह दोस्तों साइड में पार्किंग हुई है, बस वही सब है, बाकी कुछ भी नहीं है। बच्चे आज खुले तरीके से यहाँ पे खेल पा रहे हैं, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो अमूमन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, बच्चे आपको तो इस तरह से दिखेंगे नहीं। बाकी वहाँ पे देखिए एक छोटा राहुल गांधी घूम रहा है, ये देखिए एक छोटा राहुल गांधी यहाँ पे भी है। हे भाई राहुल गांधी जी कैसे हो, बढ़िया? तो इस तरह से बच्चे वगैरह आज दोस्तों राहुल गांधी जी बन के पूरा घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे पहने हुए, ये देखो इधर भी एक बच्चा पहना हुआ, मतलब आज पूरा एकदम यहाँ पे भयंकर तरीके का माहौल बना हुआ है। और मैं इसी तरह से धरावी का माहौल दिखाते हुए जा रहा हूँ, और मुझे जो सबसे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आज देख के लग रहा है, रोड ही पूरा भाई साहब चारों तरफ से खाली दिख रही है। अमूमन ऐसा होना मतलब इम्पॉसिबल है, हाँ अगर कोई पॉलिटिकल मतलब काम ना हो तो, जैसे कि गांधी जी आ रहे हैं या कोई और नेताजी आएंगे तब ये रोडें खाली होंगी, नहीं तो अमूमन ऐसा होना असंभव है, वो भी अभी के टाइम पे। बाप रे बाप इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है पूछो मत। देख रहे हैं बच्चे किस तरह से अभी यहाँ से गांधी जी का झंडा वगैरह फहरा रहे हैं, और सामने की तरफ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, और बाकी यहाँ पे पब्लिक देखिए
किस तरह से यहाँ पे क्राउड लगाए हुए हैं, इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ का पूरा एकदम मतलब एक नंबर वाला माहौल हुआ पड़ा है। और अभी फिलहाल हमें पूछना पड़ेगा लोगों से कि राहुल गांधी कब तक आने वाले हैं, यार पता नहीं फिलहाल दोस्तों, अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे देखिए पूरा चारों तरफ से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही झंडा और एक ही जो फोटो दिख रही है वो राहुल गांधी जी की दिख रही है। यहाँ पे सामने की तरफ भी देखिए कोई भाई साहब है जो राहुल गांधी जी के साथ में खड़े होके फोटो वगैरह खिंचवाए हुए हैं। बाकी दोस्तों आपका भी कोई क्यूरी हो या कोई आप भी कुछ ऐसी जगह जानते हो जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, कोई ऐसी जगह हो दोस्तों जहाँ आपको लग रहा हो कि मुझे वीडियो शूट करना चाहिए, प्लीज कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कुछ मैडम वगैरह भी पूछते हैं तो इस तरह से पूरा दोस्तों अभी राहुल गांधी जी का माहौल बना हुआ है। ये पूरा शिवसेना का ये ऑफिस है और यहाँ पे शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता वगैरह हैं, राहुल गांधी जी के नाम पे सारी नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कौन किसके साथ है और कौन कितना आगे जाएगा, वो तो अभी काफ़ी टाइम है। इस तरह से फिलहाल दोस्तों मैं भी आपको पूरा माहौल दिखाते हुए आ रहा था और यहाँ पे फिर से मैं पहुँच गया मच्छी मार्केट में। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भाई साहब मच्छी वगैरह बेच रहे हैं। कैसे है भाई, बढ़िया? कैसे है मच्छी भाई ये वाली 104, कौन सी मच्छी है ये? अरे खाने में सबसे अच्छी मच्छी कौन सी होती भाई? कौन सी मच्छी है ये? है ये कौन सी है मच्छी? अच्छा ये कटिया है, खाने में सबसे अच्छी यही होती है। सिंगल ही काटा होता है क्या? कितने रुपए के जी आता है? 170। और ये सबसे घटिया मच्छी है ना? नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब सबसे अच्छी ये कौन सी मच्छी है? देखिए यार कितने रुपए के जी आती है? 120, मतलब सबसे सस्ती ये है। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से भाई साहब यहाँ पे मच्छी वगैरह बेच रहे हैं और सबसे अच्छी मच्छी जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कटिया। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा किनारे किनारे से ऑफिस मार्केट वगैरह देखने को मिलेगा। ये भी दोस्तों धारावी का ही एरिया है, अभी जस्ट मैं साइन स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। माहिम से चला था दोस्तों, अभी साइन तक पहुंच चुका हूं। इस तरफ से आपको यहां पे पूरा फिश मार्केट वगैरह है और जो किनारे किनारे से आप देख सकते हैं, बाकी इधर भी कपड़े का होल सेलर वगैरह है जहां पे आप कुछ चाहें तो खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीजिए दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।